इस वक्त हम मणिपुर के चोरचंदपुर में हैं, चोरचंदपुर जहां से मणिपुर हिंसा की शुरुआत हुई। ये मेन रोड है चोरचंदपुर की और यहां हिंसा ने क्या तबाही मचाई उसकी गवाही ये तस्वीरें देख रही हैं, जहां 5 दिनों बाद भी जो हिंसा की आग है वो बुझ नहीं पाई है। 3 मई को इसी चोरचंदपुर में एक रैली आयोजित की गई थी, जिसके बाद मणिपुर के अलग अलग ज़िलों में हिंसा भड़की। सबसे ज़्यादा जो विध्वंसक तस्वीरें हैं वो चोरचंदपुर में ही नज़र आई। ये पहाड़ी इलाका है और जाहिर तौर पर कुकी समुदाय के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। और 3 मई को जब यहाँ रैली आयोजित की गई, उसके बाद मैथी समुदाय के लोगों के घरों पर हमले हुए। ये हमले दोनों तरफ से किए गए और जिस इलाके में जिन समुदाय की संख्या ज़्यादा है वहाँ लोग अपने दुकानों को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से दुकानों पर मार्किंग कर रहे हैं, जहाँ इमिडोर, वाइकॉल, इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने लोगों की दुकान है। यानी जो हिंसा पर उतारू भीड़ है वो कम से कम इन दुकानों को, इन घरों को नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए बाकायदा घरों और दुकानों के बाहर मार्किंग की गई है। सेना लगातार हिंसाग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, ज़्यादातर इलाकों में कर्फ्यू लगे हुए हैं, लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग शांति बहाली की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये शांति कब लौट कर आ पाएगी इसका फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन अनऑफिशियल डाटा इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। हज़ारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिन्हें अब अपने घर वापस लौटने की आस है। उत्कर्ष कुमार सिंह, मणिपुर, टाइम 8। Hello, hello.